सभी व्यूअर्स को सुरेश देसी का नमस्कार। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने वो है एनसीईआरटी सिलेबस है, क्लास 8th है, बुक सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं। और हिस्ट्री बुक का जो नाम बुक पे लिखा हुआ है वो है आर पास्ट पार्ट 3। तो इसका चैप्टर नंबर 10 है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत का स्वरूप क्या रहा, किस तरीके से उसको वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए प्रयास किए गए, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को जो है एक लंबी गुलामी के बाद जो है ब्रिटिशर से आजाद हुआ। और जैसा कि हम पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि ये जो डेट है, ये जो खुशी मिल रही थी हमें कि एक लंबी गुलामी के बाद भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था, उस खुशी का उतना मजा हम नहीं ले पाए जितना हमने उम्मीद की थी। और हुआ ये कि जो पार्टीशन का दंश था या पार्टीशन का जो दुख था वो इसके साथ मिक्स होकर के आया। पार्टीशन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का पार्ट था, उनका हिस्सा था, और उसी के चलते 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त मिडनाइट के बाद इंडिया जो है अपनी आजादी को प्राप्त करता है, लेकिन विभाजित स्वरूप में, डिवाइडेड फॉर्मेट में। तो क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ हेडिंग स्टार्ट हो रही है, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। देश था, नए स्वरूप में था लेकिन डिवाइडेड था, ये बड़ी परिस्थिति थी। बहुत बड़ा भाग इसका जो है इससे अलग कर दिया गया, वो परिस्थितियां बनी। When India became independent in August 1947, 15 August, date है, it faced a series of very great challenges. तो बड़ी मजेदार बात थी कि स्वतंत्रता खुशते हंसते खेलते नहीं आई, बहुत सारे चैलेंजेस अपने साथ में लेकर आई। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो चैलेंजेस कौन कौन से थे। तो जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उससे 8 मिलियन रिफ्यूजीज, लगभग 80 लाख लोग जो है वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से, जो उस समय पाकिस्तान बन चुका है, जो भारत का अभिन्न अंग था और वो भारत से अलग हो चुका है, तो वहां से 80 लाख जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे, वो भारत आ गए हैं। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स। अब समस्या ये थी कि इन इतने बड़े समूह के लिए घरों की व्यवस्था करना, उनके लिए कार्य या जॉब्स की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में आया। Then there was a problem. इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। उस समय लगभग भारत में जो है 500 से ऊपर, अर्थात लगभग 562 प्रिंसिपलिटीज थी या प्रिंसली स्टेट्स थे, इच रूल्ड बाय महाराजा और नवाब। और इनके शासक कौन थे, या तो महाराजा था कोई या वहां पर नवाब है। इच ऑफ होम हैड टू बी परसुएडेड टू जॉइन द न्यू नेशन। तो उसको किसी न किसी एक राष्ट्र में शामिल होना था। तो यहां मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने जो डिवीजन किया, भारत का स्वतंत्रता प्रदान की, उससे पहले जो 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था, उस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में जो बात की गई थी वो प्रिंसिपलिटीज को जो कहा गया वो ये कहा गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, वो चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज करें, और वो चाहे तो इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भी अपना सर्वाइवल रख सकते हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी चाल थी अंग्रेजों की कि भारत के जितने टुकड़े हो सकते हो वो इस कानून के द्वारा उन्होंने करने की कोशिश की। तो प्रॉब्लम यही थी कि जिन प्रोविंसेस को या जिन प्रिंसिपलिटीज को पाकिस्तान के साथ, जिन हिस्सों को, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वो तो पाकिस्तान के साथ चले गए, बट अब जो रियासतें बची थी लगभग 500 के पास आसपास, उन रियासतों को जो है भारत में शामिल होने के लिए राजी करना था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज भारत जो वर्तमान स्वरूप में हम देख पा रहे हैं शायद वो नहीं होता, और भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई टुकड़े हो गए होते। तो जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि राजाओं और नवाब्स को जो है राजी करना और भारत की जो है नेशन में शामिल करना, इंडिया नेशन में। Problems of the refugees and the princely states had to be addressed immediately. और ये problems भी ऐसी नहीं थी कि इसको हम लंबे समय तक खींच सकें या इनके solution में हम देर कर सकें, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि इनको immediately sort out करना था। In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes. लंबे अवधि के जो challenges थे उनमें तो हमारे साथ ये थी कि हमें एक ऐसा political system adopt करना था
जो कि भारत की जनसंख्या की जो उम्मीदें थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनकी अपेक्षाएं थी, उनको पूरा करता हुआ बने। तो ये जो है प्रॉब्लम्स थी, कुछ टेम्पररी बहुत इमीडिएटली सॉर्ट आउट की जानी थी और कुछ लॉन्ग रन में सॉर्ट आउट की जानी थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जो है भारत आजाद हुआ, इन्हीं चैलेंजेस को लेते हुए। यहाँ पर एक इमेज है महात्मा गांधी जो है एस एस बी इमर्स्ड इन अलाहाबाद, उनकी जो अस्थियां थी वो विसर्जित की जा रही है अलाहाबाद में February 1948। तो ये घटना है, गांधी जी को जो है 30 जनवरी 1948 को उनको जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो ये घटना भी एक भारत के चैलेंज के रूप में आई कि एक हमें उनका सानिध्य और मिला होता जो शायद नहीं मिल पाया। तो यही हुआ कि लेस देन 6 मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 6 महीने भी नहीं हो पाए थे और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई एक व्यक्ति हैं जो है नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा, बिकॉज ही डिसएग्रीड विद गांधी जी कन्विक्शन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। क्योंकि गांधी जी का ये विश्वास था कि हिंदू और मुसलमानों को भारत में मिलजुल के रहना चाहिए, तालमेल के साथ रहना चाहिए, और नाथूराम गोडसे को यही बात स्वीकार नहीं थी। दैट इवनिंग जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उस शाम को स्टन नेशन हर्ड जवाहरलाल नेहरू मूविंग स्टेटमेंट ओवर ऑल इंडिया रेडियो, जो जवाहरलाल नेहरू का जो है ऑल इंडिया रेडियो पे एक स्पीच आया था, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, आवर बिलव्ड लीडर द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। और जो सूचना दी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस तरीके से दी गई कि दोस्तों और साथियों हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे जो प्रिय नेता थे फादर ऑफ द नेशन वो अब नहीं रहे। तो ये बहुत ही एक स्टनिंग, एक एस्टोनिशिंग न्यूज जो है वो इस तरीके से टेलीकास्ट हुई और ये अच्छी खबर भारत के लिए नहीं रही। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1947 में अगर वो बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, 345 मिलियन जो थी पॉपुलेशन थी। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, इसका भी डिविजन हो गया जब इंडिया और पाकिस्तान बन गया, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, दो नेशंस बने, तो ये पॉपुलेशन भी डिवाइड हुई। देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट बिटवीन द मेजोरिटी। अच्छा ये डिवीजन देखो, डिवीजन की कैटेगरीज देखिए, हाई कास्ट लो कास्ट में भी डिवीजन हुआ, बिटवीन मेजोरिटी और माइनॉरिटी, हिंदू कम्युनिटी, इंडियंस, प्रैक्टिस अदर फेथ्स, इन सबका लगभग लगभग डिवीजन हुआ। बट सिटीजंस ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। और बड़ी मजेदार बात थी कि इस देश के जो निवासी हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे, बोलने वाले हैं थे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस यूनिफॉर्म्स उनकी पोशाक थी, वेशभूषा थी, अलग अलग प्रकार के फूड खाते थे और अलग अलग व्यवसायों का पालन करने वाले थे। तो एक वैरायटी जो थी इस राष्ट्र में वो उपलब्ध थी। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन अ स्टेट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी सारी वैरायटी के साथ, इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ ये सब लोग एक साथ कैसे रह सकते थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा था कि इतने सारी वैरायटी के साथ ये लोग एक साथ एक स्टेट या एक राष्ट्र में कैसे रह सकते थे। तो द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो यूनिटी की प्रॉब्लम तो चली रही थी, अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक और मेजर चैलेंज निकल के आया डेवलपमेंट का। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांवों में रह रही थी। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर देयर सर्वाइवल। और जो किसान थे वो ज्यादातर अपने एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून पे निर्भर करते थे, अर्थात उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी, वो मॉनसून पे ही डिपेंड करे हुए थे। तो जो नॉन फार्म सेक्टर था रूरल इकोनॉमी का, तो क्रॉप फेल बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर सर्विस ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज आइदर। तो यह प्रॉब्लम ये थी कि जो नॉन फार्मिंग सेक्टर था जिसमें हम बार्बर्स, कारपेंटर, वीवर्स और अदर ऐसे सर्विस ग्रुप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो जिस साल मॉनसून अच्छा नहीं होता था तो उस साल इनका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता था, इनको भी पेड नहीं किया जाता था, इनको पेमेंट नहीं मिलता था। तो ये देखिए कि पूरा का पूरा इकोनॉमी जो था वो इस तरीके से इंटरवीन्ड था, इस तरीके से इंटरवोवन था, आपस में उलझा हुआ था
कि एक का प्रभाव दूसरे पे निश्चित रूप से पड़ रहा था, और इसमें जो मेजर सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था, और जिस साल बारिश नहीं हुई, वर्षा कमजोर रह जाती, उसी साल पूरी अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इंपैक्ट आता था। तो ये बड़ा एक फैक्टर था। ये भी इन द सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन। और प्रॉब्लम क्या थी? ये तो प्रॉब्लम इकोनॉमी की, सिटीज में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके रहने की स्थितियां भी अच्छी नहीं थी। वो स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां, कच्ची बस्तियों में रह रहे थे, और उनको एजुकेशन की संभावनाएं बहुत कम उनको उपलब्ध हो पा रही थी। एजुकेशन के साथ साथ अगर हम बात करें तो उनकी हेल्थ केयर की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, अर्थात उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं थी वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही थी। तो एक एक मेजर चैलेंज ये भी हमारे सामने उस समय रहा। अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो एक नया देश जो बन के आया है, एक न्यू नेशन जो है, है टू लिफ्ट इट मासेज आउट ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये था कि इसको जो है बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन थी उसको गरीबी से बाहर, पॉवर्टी से बाहर लाना था। उसमें करना क्या था? एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन बढ़ाना था, प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, और हमें ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जॉब दे पाए। तो एक बड़ा सवाल यहां पर है। इसके अलावा यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। अब सवाल यहां था कि ये जो डेवलपमेंट के ड्रीम्स हम देख रहे थे वो यूनिटी पर डिपेंड कर रहे थे, और इन दोनों को साथ साथ चलना था, हाथ से हाथ थामे हुए। इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड। अब स्थिति ऐसी थी कि जो भारत का जो डिवीजन हुआ वो डिवीजन कई सारे प्रभाव लेकर आया, और अगर हम इन बंटवारों को नहीं रोक पाए तो फिर सीधी सी गणित ये थी, अगर ये वायलेंट होंगे, वायलेंट यानी हिंसा होगी, वायलेंस होगी, और वायलेंस होगी तो बहुत हाई कीमत पे, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ रहे हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देश में दिखाई पड़ते। तो इनको जो है डिविजन्स को रोकना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उसी समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रूट जो हैं वो अगर रोड मासेज, जो जनसंख्या का जो सभी वर्ग था, जनसंख्या के सभी सेक्शंस थे वहां तक अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो इससे फिर और ज्यादा डिविजन, नए डिविजन। अभी तो हम कास्ट के डिविजन देख रहे थे, हिंदू मुस्लिम के डिविजन देख रहे थे, हाई कास्ट लो कास्ट के देख रहे थे, वो शायद और भी बढ़ जाते। बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और ये डिविजन कौन से होते? गरीब और अमीर के बीच का गैप हो गया, सिटीज और कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज के बीच में डिविजन होता, और रीजन्स ऑफ इंडिया प्रॉस्परस, ऐसे क्षेत्र भारत के जो प्रॉस्परस थे जहाँ अच्छी इनकम का सोर्स था, और कुछ रीजन्स ऐसे रहते जो कि पीछे रह गए, पिछड़ गए, बैकवर्ड रह गए। तो ये बहुत सारे डिविजन्स दिखाई देने की स्थितियां थी, और भारत एक बहुत बड़े जो चैलेंजिंग सिचुएशन में उस समय हमें दिखाई देता है। अब इसके अलावा अब जो आगे चैप्टर जो फॉरवर्ड करता है तो यहां है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। तो हम बात कर रहे हैं कब की? 1947। तो हम इससे पहले जो चैप्टर में बात कर चुके हैं कि 9th दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो चुकी थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी थी। और यहां से लेकर के हमने पहले वाले चैप्टर में भी बात करी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हो गई थी उसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था। और लगभग लगभग, तो ये देखो यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, दिसंबर 1946 से नवंबर, 24th नवंबर 1949। तो यहाँ जो हमने टू इयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज का जो टाइम लगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने में, तो उसमें जो है लगभग हमने भारत का एक नया संविधान तैयार हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। तो आपका चैप्टर कह रहा है कि लगभग लगभग 300 इंडियंस इसमें थे और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी और इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने की बात कर रहे थे। ये जो मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये न्यू दिल्ली में हुई, बट इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ज्यादातर मीटिंग्स हुई वो न्यू दिल्ली में हुई, लेकिन इसमें जो 300 इंडियंस थे, इसके जो मेंबर्स थे, वो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते थे।
दीज डिस्कशंस जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में जो डिस्कशंस हुए रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ और इसके कुछ प्रोविजंस तो हैं वो 26 नवंबर 1949 को अप्लाई हो गए थे, अडॉप्ट हो गए थे, इनेक्ट हो गए थे और जो रिमेनिंग जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू कंप्लीटली ये कर दिया गया था और भारत इस दिन से रिपब्लिक नेशन के रूप में जाना जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक बड़ी बात थी वो थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, भारत में सभी वयस्कों को वयस्क मताधिकार की प्रणाली दी गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई, ऑल इंडिया सब होता एज ऑफ 21। तो उस समय जो है ये एज जो वोटिंग की जो एज रखी गई थी वो थी 21 ईयर्स, एट प्रेजेंट ये है 18 ईयर्स। तो जो वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन जो भी स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के इलेक्शन होंगे उन सब में 21 इयर्स के जो भी व्यक्ति हैं भारत में महिला पुरुष सभी वो वोट कास्ट कर सकते थे। दिस वॉज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप और नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर। और एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिसीजन था क्योंकि इससे पहले भारतीयों को अपने लीडर्स को चुनने का कोई राइट उनको मिला हुआ नहीं था। तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज यहाँ दिखाई देता है। इन अदर कंट्रीज दूसरे जो देश थे उस समय जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। तो वहां पर ये राइट जो है पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप को मिला, फिर दूसरे ग्रुप को मिला, फीमेल्स को सबसे लास्ट में मिल रहा है। तो कई सारी स्टेजेस थी उसकी, फर्स्ट ओनली मेन, जैसे कि इसके स्टेजेस कौन कौन से रहे। सबसे पहले जो जो पुरुष थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी अर्थात प्रॉपर्टी लेस पर्सन को ये राइट नहीं दिया गया। तो देखिए सबसे बड़ा ये था कि पहले उस व्यक्ति को मिला, ऐसे पुरुषों को अधिकार दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, बाद में ऐसे पुरुषों को जो पढ़े लिखे थे, है ना, बाद में और भी जो है इसके साथ ऐसा हुआ कि वर्किंग क्लास वाले आ गए जिन्होंने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उनको मिला, और सबसे अंत में जो है ये राइट फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन एंड ब्रिटिश विमेन, तो उन महिलाओं को सबसे महिलाओं को इन दिस कंट्रीज में सबसे एंड में मिला ये वोटिंग का राइट। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत ने देखी कितनी बड़ी अच्छी बात रही कि भारत ने जैसे ही इंडिपेंडेंस गेन की, स्वतंत्रता प्राप्त की, तो भारत ने सभी वर्गों को जिसमें कोई जेंडर का बेस नहीं था, कोई क्लास का बेस नहीं था, कोई एजुकेशन का पैटर्न उसमें नहीं रखा गया, कंडीशन नहीं रखी गई, और सभी भारतीयों को जिनकी एज 21 इयर्स और या उससे ऊपर की थी वोटिंग राइट्स दे दिए गए। जो फ्रेंचाइजी वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है द राइट टू वोट, द राइट टू वोट। यहाँ पर एक इमेज आपके चैप्टर में दी हुई है और वो इमेज है कि जवाहरलाल नेहरू जो है इंट्रोड्यूसिंग द रिजोल्यूशन दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो जब ड्राफ्ट कमिटी के चेयरमैन रहे, सॉरी वो ड्राफ्ट कमिटी के नहीं है, वो रिजोल्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रीड कर रहे थे, आउटलाइन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स को, तो उसका एक इमेज यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता, तो एक तो विशेषता रही कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है एक ही स्टेज में दे दी गई सभी को। सेकंड तो फीचर जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इट गारंटीड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजंस। तो एक और बहुत अच्छी बात ये रही कि भारत में कोई पर्टिकुलर ग्रुप या ऐसे कोई प्रिविलेज्ड ग्रुप नहीं रखा गया जिसको कोई विशेष अधिकार दिए गए हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दी गई है कि जो सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे लोग के सामने, कानून के सामने इक्वल हैं, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, उनका कोई रिलीजियस अफिलिएशन हो, कोई भी रिलीजन उनका हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी। देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल एंड दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज हिंदू स्टेट। हालांकि भारत के कुछ लोगों की इच्छा थी कि भारत जो है हिंदू धर्म के जो आदर्श आइडियल्स हैं उन पे बेस होना चाहिए और साथ में इंडिया भारत को जो है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाना चाहिए, तो उनकी कुछ लोगों की इच्छा भी थी। दे पॉइंटेड आउट, उन्होंने कुछ बात भी कही कि जैसे पाकिस्तान ने अलग होकर के अपने आप को
मुस्लिम जो है कंट्री के रूप में डिफाइन किया है, वैसे भारत को भी करना चाहिए। फिर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कहा, उनके मानना था कि भारत जो है कभी भी हिंदू पाकिस्तान नहीं हो सकता, मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सभी धर्मों का जो है इक्वल जो है रिस्पेक्ट हो, उनकी इक्वलिटी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने होनी चाहिए। मुस्लिम्स के अलावा इंडिया जो है लार्ज पॉपुलेशन, भारत में मुस्लिम ही नहीं थे, मुस्लिम्स के अलावा यहाँ सिख भी बहुत सारे थे, क्रिश्चियंस भी बहुत सारे थे, इसके अलावा पारसी, जैन्स, कई सारी कम्युनिटीज भारत में रिजाइड कर रही थी। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो इन सबको जो है, जैसे हिंदूज को राइट्स हैं और हिंदूज को जो अवसर मिले हुए हैं उसी तरीके से इनको भी मिलना चाहिए, चाहे वो मैटर जॉब्स का हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, इन सब के राइट जो हैं वो लॉ के सामने सेम होने चाहिए, बराबर राइट्स होने चाहिए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक और मेजर फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रहा। एक और थर्ड फीचर की यहाँ पर बात की गई है, इंपॉर्टेंट फीचर, और वो क्या था, offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indians. तो हमारे यहाँ पर social equality establish करने के लिए इस बात का भी constitution में ध्यान रखा गया कि ऐसी जो society के groups थे जो कि poorest थे, सबसे poorest थे या सबसे poor गरीब या जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस थे, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे कि हमारे यहाँ जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, कस्टम था, डिस्क्राइब्ड एज ए स्लर एंड ए ब्लॉट, उसको भारत के उस पर धब्बा घोषित किया गया, ऑन द फेयर नेम ऑफ भारत, भारत के एक अस्वच्छ नाम पे इसको धब्बे की तरह देखा गया, उसको पूरी तरीके से एबोलिश कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया। हिंदू टेम्पल्स जो कि प्रीवियसली जो केवल हाई कास्ट के लिए हुआ करते थे, उनको अब सभी इंडियंस के लिए, जिनको अनटचेबल्स माना गया था, इवन उनके लिए भी जो है इसको ओपन कर दिया गया। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बैन कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को टेम्पल्स में जाने से नहीं रोका जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत जैसा जहां जातीय गठबंधन में बंधा हुआ देश था, वो एकदम से इन सारी शेकल्स को तोड़ के, इन सारी जंजीरों बंधनों को तोड़ के मुक्त हो रहा है। आफ्टर लॉन्ग डिबेट, बहुत डिस्कशंस हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया कि कुछ सीट्स जो है लेजिस्लेचर में, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर एज वेल इन जॉब्स, और यहां तक कि जॉब्स में भी जो है रिजर्व की जानी चाहिए, किसके, लोवेस्ट कास्ट के लिए, जो बहुत पिछड़े रहे हैं, बहुत सालों से जिनका शोषण होता रहा या आर्थिक स्थिति में निम्न स्तर पर रहे हैं, उनके लिए लेजिस्लेचर असेंबली में या लेजिस्लेचर्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो ये भी एक बहुत की फैक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रहा। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल और एज दे वर नाउ नोन हरिजन, अब उनको 1932 के बाद में लगभग उनको हरिजन का नाम गांधी जी ने दे दिया था कि अब इनको हम अनटचेबल्स नहीं कहेंगे, हरिजन कहेंगे, हरि के जन, भगवान के व्यक्ति। तो कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड एनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी एक आर्ग्यूमेंट दिया कि अभी जो अनटचेबल्स हैं जिनको हरिजन कहा गया बाद में, उनकी अभी एग्जाम में इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, अच्छी ग्रेड्स नहीं आएंगी, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है IAS की जो सर्विस है उसमें उनको जो रिजर्वेशन दिया जाना ठीक नहीं रहेगा। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच जे खांडेकर आर्ग्यूड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे एच जे खांडेकर, उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने अपनी बात कही, इट वॉज अपर कास्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कही कि आज हरिजन्स आपको अनफिट लग रहे हैं IAS की जॉब के लिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहे, कौन है, अपर कास्ट, एड्रेसिंग मोर प्रिविलेज कलीग्स। तो उन्होंने अपने जो और जो प्रिविलेज कलीग्स थे उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, खांडेकर का स्पीच है, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हमें हजारों साल तक दबाया गया, यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ओन एंड्स एंड सप्रेस्ड अस टू सच एन एक्सटेंट
that neither our minds nor our bodies and nor even our heart work, nor are we able to march forward. उनका जो स्पीच है बहुत ही प्रभावित करने वाला है. उन्होंने कहा कि हजारों सालों तक आपने हमें दबाया. यू एंगेज, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाए रखा और अपने कामों में लगाए रखा, और वो भी इस स्तर तक लगाए रखा कि अब हमारे न तो माइंड काम कर रहे हैं, न हमारे बॉडीज काम कर रहे हैं, या न बॉडीज है हमारे पास, हार्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, और न ही हम आगे बढ़ने के लिए के काबिल भी नहीं है. तो ये सारी स्थितियां आप लोगों ने क्रिएट की. तो ये एच खांडेकर का स्पीच था. अलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, इनके अलावा जो जो रिजर्वेशन का जो मैकेनिज्म किया गया, वो रिजर्वेशन का मैकेनिज्म किस किस के लिए हुआ, तो अनटचेबल्स के साथ साथ ये व्यवस्था जो आदिवासी थे, आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो थे, ट्राइबल्स हैं, उनको भी ये रिजर्वेशन सीट्स और जॉब्स में, यानी लेजिस्लेचर के सीट्स और जॉब्स में दिया गया. इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो है, इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड, उनको भी, वो भी कई सालों से वंचित रहे, डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव हुआ उनके अगेंस्ट, तो उनको भी ये रिजर्वेशन दिया गया. ट्राइबल जो है वो मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से भी डिप्राइव रहे. While the land and forest had been taken away by more powerful outsiders, जो ब्रिटिशर्स थे, जो पावरफुल थे, उन लोगों ने उनकी जमीनें भी छीन ली, उनसे उनके फॉरेस्ट को भी ले लिया था. तो the new privileges granted them by the constitution were meant to make amends for this. तो उन लोगों के साथ जो injustice हुआ, चाहे वो भारत के ही किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा किया गया या आउटसाइडर्स के द्वारा किया गया, उसको ठीक करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेज इस वर्ग को दिया गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे जो दिन इस बात को डिस्कस करने में खर्च किए कि पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कौन सी पावर होनी चाहिए. तो इस बात पर डिस्कशन करने में भी उन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया. कुछ मेंबर्स का मानना ये था या उनका सोचना ये था कि सेंटर का जो इंटरेस्ट है या सेंटर के जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं शुड बी फॉरमोस्ट, कि पहले, सबसे पहले सेंटर की बात को, सेंटर कोई बात चाहता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखनी चाहिए. इट वॉज आर्ग्यूड, ये भी कहा गया कि वुड बी इन ए पोजिशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री एज ए होल, कि कई बार ऐसा भी स्थितियां होंगी कि हमें पूरे देश का जो है भला सोचना की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय सेंटर का पावरफुल होना ज्यादा जरूरी. अदर मेंबर्स, कुछ मेंबर्स का ये भी मानना था कि प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी. तो उन एक दूसरा ग्रुप इस बात पर जोर दे रहा था कि स्टेट्स को या प्रोविंसेस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए सेंटर के बजाय, एंड उनको फ्रीडम भी ज्यादा होनी चाहिए. ए मेंबर फ्रॉम मैसूर, एक सदस्य रहे मैसूर से, और उनको इस बात का डर था कि प्रेजेंट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी का है सेंटर्ड इन दिल्ली, तो वो तो दिल्ली में है, उसकी तो कैपिटल जहां दिल्ली है, एंड इट इज नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो जिस तरीके से दिल्ली में काम करेगा, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी स्टेमिना पावर के साथ, उसी एंटीजियोजन के साइंस के साथ, ये बाकी के कंट्री में काम नहीं करेगा. एक मद्रास के मेंबर थे, उन्होंने इस बात पे बल दिया कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि प्रोविंसेस की जो लोगों का जो वेलबींग है या उनकी जो जिम्मेदारी है, वो स्टार्टिंग में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही होनी चाहिए. तो उनका ये मानना था. वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स. तो यहां पर नेहरू जी का एक स्पीच दिया हुआ है, वो क्या है स्पीच, वो यहां दिया गया है. वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स, हमें उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उनको अधिकार देने चाहिए. नेहरू जी ने लिखा एक लेटर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को, क्या था ये लेटर, इसमें कहा गया वी हैव ए मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स, कि हमारे पास मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या है, एक इतना बड़ा नंबर है माइनॉरिटी का, कि अगर हम चाहें भी, नंबर दैट दे कैन नॉट इफ दे वांट, अगर वो जाना भी चाहें तो वो कहीं नहीं जा सकते. दैट इज ए बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, और ये एक ऐसा तथ्य है हमारे सामने
इस पे हम कोई आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते। व्हाट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट एवर द इंडिग्निटीज एंड हॉरर्स इन्फ्लिक्टेड ऑन नॉन मुस्लिम्स देयर, पाकिस्तान हमको कितना भी प्रोवोक करे और वहाँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पर वो कितनी सारी ज्यादतियाँ करता रहे, वी हैव गॉट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन ए सिविलाइज्ड मैनर। लेकिन हमें इस वर्ग के साथ भारत में एक सभ्य रूप में ही पेश आना है, एक सभ्य रूप में इनके साथ व्यवहार करना है। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी, हमें इन लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए और राइट्स देनी चाहिए इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो हमें इनको सेफ्टी देनी चाहिए और इनको राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये एक लेटर था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा हुआ सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बात कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बैलेंस करने की बात यहाँ दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन बातों पे बैलेंस किया गया। दीज कॉम्पिटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग, तो अलग अलग टाइप के क्लेम्स अलग अलग मेंबर्स द्वारा किए गए थे तो उन क्लेम्स को बैलेंस करना था। प्रोवाइडिंग थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो या स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल हो, इसके बहुत सारे जो डिबेट्स हो रहे थे, अलग अलग क्लेम्स किए जा रहे थे, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से किया गया एक बैलेंस्ड वे में कि तीन लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो सारे जो मैटर्स थे, सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें वो सब्जेक्ट्स थे जैसे टैक्सेज हैं, डिफेंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो यूनियन लिस्ट के अंडर में रखे गए और इन सब्जेक्ट्स की संख्या रखी गई 97। ऐसे 97 सब्जेक्ट्स थे जो यूनियन लिस्ट में रखे गए। उसके बाद स्टेट लिस्ट जो बनाई गई, स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जो स्टेट के एजुकेशन हुई, हेल्थ हुई, जिनको जो है मुख्य रूप से स्टेट्स के ही जिम्मेदारी दी जा सकती थी और इनकी संख्या स्टार्टिंग में रखी गई थी 66। ऐसे सब्जेक्ट्स की संख्या 66 थी। थर्ड जो लिस्ट थी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट और इसमें वो सब्जेक्ट्स रखे गए जो कि फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है उन दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट रूप में थी। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और इन सब्जेक्ट्स की संख्या थी 47। तो ये कुल मिलाकर ये है कि इसको एक बैलेंस्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इसको तय किया। एक और डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक विषय पे हो रहा था, वो था लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर, बहुत सारे मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उनका ये मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि ब्रिटिशर्स भारत से चले गए हैं तो इंग्लिश को भी भारत से चला जाना चाहिए। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी, और इसके स्थान पे कौन सी लैंग्वेज भारत में होनी चाहिए, हिंदी। हाउएवर दोज़ हू डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन फिर भी वही बात थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो पूरे भारत से लोग थे और बहुत सारे भारत के भाग ऐसे थे जो हिंदी स्पीकिंग नहीं थे, तो उन लोगों का ये ओपिनियन था कि वो उनकी ओपिनियन डिफरेंट थी। स्पीकिंग इन असेंबली, असेंबली में बोलते हुए टीटी कृष्णाचारी जो है उन्होंने ये कहा, चेतावनी देते हुए कहा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ, दक्षिण के लोगों की तरफ से, कि सम ऑफ हूम थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड ऑन देम, उन्होंने ये धमकी दी थी। टीटी कृष्णाचारी ने कहा कि हमें ये धमकी दी गई है कि अगर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा चुन लिया जाएगा तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो एक नया डिबेट यहाँ देखने को मिल रहा है। ए कम्प्रोमाइज वाज फाइनली अराइव्ड, तो इस मुद्दे पे जब स्थितियां ऐसी बन गई तो एक समझौता हुआ और वो समझौता क्या था, दैट व्हाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि हिंदी जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश जो है कोर्ट्स में यूज की जाएगी, सर्विसेज में यूज की जाएगी और कम्युनिकेशंस वन स्टेट टू अनदर के बीच में, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जो कम्युनिकेशन का मीडियम होगा वो भी इंग्लिश रखी जाएगी। तो एक कंक्लूजन यहाँ पर ये तय किया गया,
क्योंकि लैंग्वेज को लेकर डिबेट की डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट हो गई थी। एक इमेज यहाँ पर दी हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर जो 1891 से 1956 इनका लाइफ स्पैन है, रेस्पेक्टफुली इनको जो है बाबा साहेब भी कहा जाता है। ये मराठी स्पीकिंग एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। पेशे से प्रोफेशन से लॉयर रहे और अर्थशास्त्री थे। ही इज बेस्ट नोन एज ए रेवर्ड लीडर ऑफ दलित। इनको जो है दलितों का सम्मानीय नेता के रूप में ये माने जाते हैं और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहे जाते हैं, भारत के संविधान के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे चैप्टर फॉरवर्ड होता है वो अब आगे जो बात कर रहा है वो कहता है मैंने इंडियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में उनका रोल रहा, भूमिका रही, बट परहैप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बहुत सारे 300 के लगभग लोग थे 289 अबाउट, बट उनमें से मेजर रोल रहा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का माना जाता है। और ये ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया उसकी कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। और इन्हीं के सुपरविजन में डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट था वो फाइनल हुआ। अपने जो फाइनल स्पीच था इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी उसके साथ होनी चाहिए। केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा, ये डेमोक्रेसी इकोनॉमी में भी आनी चाहिए और ये डेमोक्रेसी सोसाइटी में भी स्थापित होनी चाहिए। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर। इन्होंने ये कहा कि हमने जो है वोटिंग राइट्स दे दिए और अब ये मान ले कि सोसाइटी में इंडिया में इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं हटेगी, हमें इसके साथ बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं जैसे कि रिच और पुअर की, अपर एंड लोअर की, कास्ट की, अपर एंड लोअर कास्ट की, तो ये भी हमारे साथ ही चलेंगी, तो हमें इनके लिए कुछ और करना चाहिए। नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अब क्या होना चाहिए था, नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन्होंने कहा, अम्बेडकर ने कहा कि अब जो इंडिया है वो नए कॉन्ट्रेडिक्शंस में, नए विवादों में, नई परिस्थितियों में, नए कॉन्फ्लिक्ट्स और द्वंद में फंसने वाला है या एंटर करने वाला है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो अब इक्वलिटी आ जाएगी, बट एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि हमने डेमोक्रेसी तो अडॉप्ट कर ली और इसकी वजह से पॉलिटिक्स में जो है हम इक्वलिट हो भी जाएंगे, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वलिटी नहीं आएगी, वहां इनइक्वलिटी असमानता ही बनी रहेगी। पॉलिटिक्स में हम जो प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, हो सकता है कि हम पॉलिटिक्स में अब इस वैल्यू को, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लें कि वन मैन वन वोट वन वोट वन वैल्यू, उनके सबको इक्वल हमने कर दिया, बट हमारा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। तो अम्बेडकर का ये मानना था कि ये हम पॉलिटिकल लाइफ में तो इंश्योर कर लेंगे कि वन पर्सन वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट और एक उसके वैल्यू भी बराबर होगी, तो ये तो पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात होगी, बट हम अगर सोसाइटी की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करें, तो एक व्यक्ति और सभी व्यक्तियों का मूल्य जो है समान नहीं हो सकता या उनकी वैल्यू जो है इक्वल नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बी आर अम्बेडकर ने चर्चा किया। हाउ आर स्टेट्स टू बी फॉर्म, अब एक और बड़ी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो थी कि अब स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, राज्य कैसे बनाए जाए, क्योंकि देखिए इस समय जो हमने बात करी कि 11 प्रोविंशियल स्टेट्स थे भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसमें से कुछ स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ चले गए, बाकी भारत में थे। इसके अलावा 500 के लगभग जो है हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स में को जो है भारत के साथ मर्ज किया गया, इनको अब इस कौन सा पार्ट किस स्टेट के साथ जाए, कौन सा स्टेट फॉर्म होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर था। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज भी थी वो, तो ये बात बड़ी थी। अगर हम 1920s की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल की जो मेन पार्टी थी, उसने प्रॉमिस किया था कि वंस द कंट्री वाज वन इंडिपेंडेंट, जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो हर एक भाषा का ग्रुप था, भाषाई समूह था, उसको एक प्रोविंस के रूप में बनाया जाएगा। ये
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था 1920s में। हाउएवर इंडिपेंडेंस के बाद जो है कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि जैसे ही भारत आजाद हुआ कांग्रेस ने इस तरफ को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि अभी जो डिवीजन हुआ भारत का वो रिलीजन के बेस पे हुआ। मुस्लिम स्पीकिंग पीपल पाकिस्तानी, हिंदू स्पीकिंग और या हिंदू जो रिलीजन फॉलोवर्स थे वो हिंदुस्तान हो गया। तो अभी जो डिवीजन हुआ वो रिलीजन के बेस पे था। इसके अलावा जो महात्मा गांधी की विशेष थी वो तो इसके फेवर में थे ही डिवीजन के। फ्रीडम हैड कम नॉट वन टू वन नेशन बट टू टू। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं होना चाहिए, भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और अब भारत दो देश था। इसके परिणाम स्वरूप पार्टीशन जो हुआ, भारत का जो पार्टीशन हुआ, लगभग लगभग जो है 1 मिलियन लोग जो है वो राइट्स में, दंगों में मारे गए। इसकी स्थिति हमारी ये भी थी कि केवल पार्टीशन की बात नहीं थी, इस पार्टीशन में लगभग लगभग 1 मिलियन, जिसको हम कह सकते हैं 10 लाख लोग जो हैं, जो दंगे हुए इस समय हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, उनमें मारे गए। तो क्या अब सवाल ही उठा था कि कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अब एक सवाल ये उठ रहा था कि जब हम रिलीजन के बेस पे बटे, डिवाइड हुए, तो इतने लोगों को अपनी जान दे करके इसको स्वीकार या ये स्थितियां क्लियर हुई, तो क्या अब हम लैंग्वेज के बेसिस पर भी ऐसी ही स्थितियां वापस बना सकते थे? तो ये बड़ा सवाल था। तो आगे चैप्टर कहता है कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे। उन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट्स के फॉर्मेशन को फेवर नहीं किया। पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा था कि डिसरप्टिव टेंडेंसीज, जो भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, कम टू द फोर, वो आगे आ गई हैं। टू चेक देम, उनको रोकना है। द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। ऐसी शक्तियों को जो भारत के टुकड़े करना चाहती है, भारत को खंडित करना चाहती है, उनको हमें रोकना होगा, भारत को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, यूनाइटेड रहना पड़ेगा और रोकना होगा। आगे नेहरू जो है वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कहा, पटेल क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, उनका कहना था द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड ए नेशन। उनका मानना था कि आज के प्रेजेंट मोमेंट पे जो आवश्यकता है वो ये है कि भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एवरीथिंग विच हैज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोस ऑब्स्टिकल्स इन इट्स वे हैज टू बी रिजेक्टेड। इनका कहना था कि ऐसे कुछ भी जो भारत के नेशनलिज्म को प्रमोट करता है वो चीज आगे बढ़नी चाहिए, और ऐसी कोई भी बात या कोई भी जो है एक्शन जो इसमें बाधा पहुंचाता है, इसमें ऑब्स्टिकल्स लाता है, उसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोसेस, और हमने ये जो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात थी उस पर अप्लाई किया है, एंड बाई दिस टेस्ट इन आर ओपिनियन दे कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो इसके आधार पे हम ये मानते हैं कि उनका सपोर्ट नहीं किया जाए। तो ये सरदार पटेल और नेहरू जी के जो विचार थे वो लगभग एक जैसे ही हैं इस मुद्दे पे कि स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जो लीडर्स थे उनको जो है प्रोमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, जो उनको वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रोमिस, क्योंकि उनको वादे से पीछे हटना पड़ा और डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। कन्नड़ा जो स्पीकर थे, मलयालम बोलने वाले जो लोग थे, मराठी बोलने वाले लोग थे, वो भी इस उम्मीद से देख रहे थे कि उनका एक अपना स्टेट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग, और इन सब में से जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हुए। व्हाट वाज देयर मद्रास, और ये कौन से, मद्रास प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। जब नेहरू वहां प्रचार के लिए गए जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 में जो प्रथम आम लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रचार प्रसार के लिए गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, नारे लगाए गए, स्लोगन दिए गए, और स्लोगन क्या दिया गया, वी वांट आंध्रा, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, भाषा तेलुगु बोलने वाला प्रदेश, स्टेट चाहिए। अक्टूबर उसी साल, अक्टूबर की कहानी है 1952 की, ए वेटरन गांधीयन नेम्ड, एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री अमल्लू, वो करताल पे रहे
आंध्र स्टेट को फॉर्मेशन को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनाया जाएगा, आंध्र स्टेट नहीं बनेगा, वो भूख हड़ताल पे हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे तेलुगु स्पीकर्स लोगों की तरफ से। एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट, हड़ताल एंड बर्न्स वर ऑब्जर्व्ड इन मेनी टाउन्स। और जैसे जैसे उनका ये फास्ट जो था, ये जो हंगर स्ट्राइक थी आगे बढ़ी, तो लोगों का ध्यान ज्यादा बढ़ा और ये प्रचार जो है हड़ताल, ये जो प्रोटेस्ट था ये और बढ़ा, हड़ताल हुई, बंद रखे गए, कई सारी चीजें देखने को मिली। जो टर्म लिंग्विस्टिक है उसका मीनिंग है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो लिंग्विस्टिक है। एक इमेज दी हुई है पोटे श्री रामल्लू की, जो गांधीयन नेता है, वो बाद में फास्टिंग के द्वारा जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे उनकी डेथ हो गई, और जो तेलुगु स्पीकर लोगों के लिए बात कर रहे थे। ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 डेज इनटू हिज फास्ट, 58 दिन का उनका उपवास और जो धरना और जो भूख हड़ताल हो चुकी थी, पोट्री श्री रामल्लू की डेथ हो गई 58 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद। जैसा न्यूज़पेपर ने क्या लिखा, द न्यूज ऑफ द पासिंग अवे ऑफ श्री रामल्लू एंगल्फ्ड एंटायर आंध्र इन क्यूज, कि जो रामल्लू की डेथ की जो खबर आई उसने पूरे आंध्र प्रदेश को जो है अंधकार में डुबो दिया है। द प्रोटेस्ट वाज सो वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इन टू द डिमांड, इतने भयंकर तरीके से प्रदर्शन हुए कि भारत सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट जो है, जो कि पहली बार भाषा के आधार पर बनाया गया था, पहले इसका नाम आंध्रा था और बाद में आंध्र प्रदेश पड़ा, वो बना। तो आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के आधार पर बनने वाला या भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट रहा। आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो दूसरी ओर थी उन्होंने भी अपने अपने सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। इसी को देखते हुए एक 1956 में जो है स्टेट 1953 में एक जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया, जिसका काम ये था कि वो इस बात को सर्च करेगा, इस बात की स्टडी करेगा कि क्या भारत में लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाने चाहिए और अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। इस कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिकमेंड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और प्रोविंशियल बाउंड्रीज है उनको रीड्रॉ किया जाए, दोबारा बनाई जाए और कुछ ऐसे स्टेट्स बनाए जाए, आसामीज, बंगालीज, ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि भाषा जो एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में रखें तो ज्यादा बेहतर है। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। जो ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग रीजन थे नॉर्थ इंडिया में खास करके, वो उनको भी कई सारे स्टेट्स में तोड़ दिया गया और बाद में 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे जो स्टेट था वहां पर जो है मराठी और गुजराती बोलने वाले लोग थे उनको भी दो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र स्टेट और गुजराती बोलने वालों को गुजरात स्टेट दे दिया गया। 1966 में फिर एक डिवीजन होता है पंजाब का, और पंजाब में पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो पंजाबी पंजाब का स्टेट बना दिया गया, और जो हिंदी बोल रहे थे और इस पंजाब में ज्यादातर सिख थे, और बाद में जो हिंदी बोल रहे थे वो या हरियाणवी बोल रहे थे उनको हरियाणा में रख दिया गया। तो ये भी एक पंजाब और हरियाणा का डिवीजन 1966 में हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स किसे कह रहे हैं, मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक वहां पर कोट आया है, वो ये है कि स्टेट सीज टू बी ए प्रिंसली स्टेट एज एंड व्हेन इट प्रिंस एग्रीड टू मर्जर विद इंडिया और पाकिस्तान और वाज डिफीटेड। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये था कि कोई भी स्टेट जो अब तक प्रिंसली स्टेट के फॉर्मेट में था, अगर उसके प्रिंस ने इंडिया या पाकिस्तान के साथ मर्जर कर दिया हो या उसको डिफीट कर दिया गया हो तो वो अब प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा, बट इनमें से बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने रहे, कब तक, 31 अक्टूबर 1956 तक वो बने ही रहे, हैंस द कैटेगरी। तो वहां से जो प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी थी वो जो 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक चली वो बनी रही, इनको एस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स कहा गया। एक इमेज यहां पर दी हुई है
इसमें महानदी जो कि ओडिशा में है उस पे रिवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लो ऑफ वाटर है, ब्रिजेज एंड डैम्स सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था उसको दिखाने वाली ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। स्टेट किसको कह रहे हैं, स्टेट कंसर्न विद द गवर्नमेंट, नॉट दैट यूज इन दिस सेंस, स्टेट वर्ड का जो यूज है वो यहाँ पर गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये स्टेट मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट विच आर फाउंड इन ए कंट्री। तो यहाँ पर जो स्टेट से पहले एक चैप्टर में एक वीडियो में हमने बात करी थी, दूसरे चैप्टर में ये दिया गया था कि स्टेट वहां पर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक गवर्नमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं हम, ये स्टेट्स डिवीजन है किसी कंट्री के। एक और इमेज यहाँ पर है, वर्क गोइंग ऑन एट गांधी सागर बांध, गांधी सागर डैम जो था वो जो चार डैम बनाए गए थे चंबल रिवर पे मध्य प्रदेश में उनमें से एक है, और इसका कंप्लीशन 1960 में हो गया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो ग्रोथ चल रही थी अलग अलग सेक्टर्स में वो भी यहां पर डिस्कस की गई है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, अब चूंकि भारत आजाद हो चुका है, और भारत आजाद हो चुका है तो डेवलपमेंट का कंसेप्ट आना ही है, डेवलपमेंट किया जाना ही है, तो डेवलपमेंट प्लान्ड वे में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए भारत में भी सोचा गया और एक प्लानिंग की गई, तो उसके लिए क्या क्या किया गया वो यहाँ पर डिस्कस है। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, तो मुख्य काम ये था कि भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना था, पॉवर्टी से बाहर निकालना था, और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना था, जो वर अमंग द मेजर, ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे नए राष्ट्र के, नए भारत के। 1950 में गवर्नमेंट ने जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, 1950 में क्या एस्टेब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन। इसका काम क्या था, टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको पॉलिसीज डिजाइन करनी थी और उनको एग्जीक्यूट करना था। पर ध्यान रहे कि इसको काम ये था कि सुटेबल पॉलिसीज होनी चाहिए जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। उस समय वर्ल्ड में दो प्रकार के कंसेप्ट चल रहे थे, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चल रही थी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है और इंडिविजुअल्स का रोल ज्यादा था कि वो आगे बढ़े, और एक दूसरा इसको जो लीड कर रहा था वो यूएसए कर रहा था, और एक और फॉर्मेट था जिसको हम कह सकते हैं वो फॉर्मेट था सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो है इसमें गवर्नमेंट सारी प्रॉपर्टी सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे थे, और ये उस समय के यूएसएसआर के द्वारा जिसको हम आजकल रशिया के नाम से जानते हैं उसके द्वारा इसको लीड किया जा रहा था। तो दो फॉर्मेट चल रहे थे, बट इंडिया ने जो है मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया, अर्थात दोनों ही चीजें रखी, कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंडर में रखी, कुछ प्राइवेट सेक्टर को दी। बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों को इम्पोर्टेंट रोल दिया गया, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वे में काम करना का डिसीजन हुआ। और इसका मतलब ये था कुल मिला के लक्ष्य एम ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है और नए जॉब जनरेट करने हैं। और स्पेसिफिकली दीज रोल्स वर टू बी, अच्छा इनके रोल क्या होने थे, कौन सी इंडस्ट्रीज को इनिशिएट किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा, कौन सी प्राइवेट सेक्टर या मार्केट पे छोड़ी जानी चाहिए, हाउ टू अचीव ए बैलेंस। दूसरा सवाल ये था कि किस प्रकार से अलग अलग रीजन्स अलग अलग स्टेट्स के बीच बैलेंस किया जाए प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ये सब बातें प्लानिंग कमीशन को तय करनी थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उस समय थे और ये सब प्लानिंग कमीशन को तय करने थे। 1956 तो फर्स्ट हमारा जो फाइव ईयर प्लान आया वो 1951 में आया, हमारा फर्स्ट जो भारत का फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना वो 1951 से लेकर के और 1956 तक चला, फर्स्ट अप्रैल से 31st मार्च। इसके बाद जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान है वो 1956 में ऑपरेट किया गया, स्टार्ट किया गया, और इसमें जो मेन फोकस दिया गया वो था कि हैवी इंडस्ट्रीज भारत में डेवलप की जानी चाहिए जिसमें खास करके स्टील थी, और लार्ज डैम्स बनाने का काम भी इसमें फोकस किया गया। तो सेकंड फाइव ईयर प्लान जो है इंडिया के लिए इस तरीके इसलिए है कि लार्ज इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर के है।
इन सेक्टर्स में जो है ये सेक्टर, अब ये जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं या हम डैम्स या बनाने की बात ही किसके अंडर में रखा गया, स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ पर ये भी था कि हैवी इंडस्ट्रीज हैं और स्टेट रेगुलेशन जो है इकोनॉमी का करेगा उसको गवर्न इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। तो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही थी ये आने वाले कुछ दशकों तक, आने वाले 10-20 ईयर्स तक ये गाइड करने वाले थे भारत की पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को। और ये जो अप्रोच थी इसके बहुत सारे सपोर्टर्स थे बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स और कुछ इनके अगेंस्ट भी थे। ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी उस समय भारत के डेवलपमेंट को लेकर के, उसके कुछ सपोर्टर भी थे तो कुछ इसके क्रिटिक्स भी रहे। फाइव ईयर प्लान्स को लेकर के पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई, फाइव ईयर के, अभी जो मैंने बात करा कि प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1952-56 बात लगाया और सेकंड फाइव ईयर प्लान जो है 1956 में आया, इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था। जवाहरलाल नेहरू जो है प्लानिंग प्रोसेस के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने कहा कि ये भारत की प्लानिंग के जो है सीरीज ऑफ लेटर्स है रोड टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द, ये जो एक्सप्लेन द आइडियल्स एंड उन्होंने बार बार जो है अपने आइडियल्स जो इसके आइडियल्स थे उनको एक्सप्लेन किया, परपजे जो प्लानिंग के जो सीरीज वाइज चलेंगे वो जो बहुत सारे लेटर्स उन्होंने लिखे चीफ मिनिस्टर्स को वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही एक लेटर है 22 दिसंबर 1952 का जिसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा कि फाइव ईयर प्लान्स के पीछे जो कंसेप्ट है वो इंडिया की यूनिटी का है और माइटी कोऑपरेटिव एफर्ट। सबसे बड़ी बात है कि शक्तिशाली प्रयास इस बात को लेके किया जाना चाहिए कि एक तो बात हो रही है कि इंडिया की यूनिटी और दूसरा है कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स है, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, सारे भारत के लोग ये मिलकर के प्रयास करेंगे। वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इट इज नॉट मेयरली द गवर्नमेंटल मशीनरी। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल सरकारी मशीनरी का काम नहीं है बट इवन मोर सो द एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेटिव, और यहाँ तक कि ये जो लोग हैं भारत के जो लोग हैं पीपल ऑफ इंडिया हैं उनका कोऑपरेशन चाहिए और उनका उत्साह एंथुजियाज्म भी चाहिए। हमारे लोग जो हैं उनमें सेंसेशन है भागीदारी का, पार्टनरशिप का, इन्हें माइटी एंटरप्राइज है, कितना ही बड़ा एंटरप्राइज हो इंडस्ट्री हो, और बीइंग फेलो ट्रेवलर्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट गोल, और फिर अगले गोल की तरफ आगे बढ़ना है, दे एंड वी हैव टू सेट बिफोर अस, और उसी के साथ एक एंटरप्राइज को कंप्लीट करके हम आगे के गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्लान में भी योजना जो है, प्लान जो है, फाइव ईयर प्लान जो है उसको ऐसा होना चाहिए जो सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कैलकुलेशन अर्थशास्त्रियों की जो कैलकुलेशन है उन पे बेस्ड होना चाहिए, स्टेटिस्टिशियन और ऐसे ही लोगों के द्वारा वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। बट फिगर्स एंड स्टेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दे आर डू नॉट गिव लाइफ टू द स्कीम। लेकिन उनका मानना था ये सारी चीजें जो स्टेटिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कैलकुलेट करके सब चीजें हमें फिगर्स दे देंगे, बट ये फिगर्स जो हैं वो उतने इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी प्लान को, किसी भी स्कीम को जीवन नहीं दे सकते, उसको जीवंतता नहीं दे सकते। ये जो उसको, ये जो जीवंतता उस प्लान में आएगी वो आएगी दिस प्लान विच इज एनश्राइंड इन कोल्ड प्रिंट समटाइम्स समथिंग लिविंग वाइटल एंड डायनेमिक विच कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। तो इसमें जो लोग जो सपने देखेंगे, लोगों को जो उत्साह होगा, लोगों का जो जुनून होगा उसको पूरा करने का, उनसे ही उसमें जीवंतता आएगी। तो ये नेहरू जी के विचार प्लान्स को लेकर के। कुछ लोगों का यहां ये भी मानना है, उनका ये भी था कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया, अपर्याप्त रहा, इनएडिक्वेट रहा। कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट रहा कि उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, फोकस देना चाहिए था, उसको नेग्लेक्ट किया गया। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन उसके पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आएंगे, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। एंड महात्मा गांधी फॉलोवर मीरा बहन रोट इन 1949, महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं उन्होंने मीरा बहन, उन्होंने 1949 में लिखा, क्या लिखा, साइंस एंड मशीनरी ही हियर तक मैनकाइंड, मनुष्य जो है में गेट यूज रिटर्न्स फॉर इट, उसको बहुत बड़े रिटर्न मिल सकते हैं बट फाइनली जो है वो डिजोल्यूशन पे आएगा, वो समाप्ति की ओर ले जाएगा। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, हमें नेचर का बैलेंस ध्यान रखना चाहिए,
और हमारी लाइफ को नेचर के कानून, हर लॉज मीन्स नेचर के कानून जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। वी हैव टू सर्वाइव एज ए फिजिकली हेल्दी एंड मोरली डिसेंट स्पीसीज। हमको फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए, मोरली डिसेंट स्पीसीज के रूप में डेवलप होना चाहिए। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ एंड मोरल डिसेंटनेस है। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, जवाहरलाल नेहरू जो है भिलाई जो स्टील प्लांट है वहां पर प्लांट में बैठे हैं, मतलब वहां का पिक्चर है। भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1959। तो 1959 में जो सोवियत यूनियन थी जिसको यूएसएसआर हम रशिया आजकल कहते हैं, उस समय यूएसएसआर के नाम से था, तो वहां उसके हेल्प से जो है ये भिलाई में स्थापित किया गया। और बैकवर्ड छत्तीसगढ़ जो प्रेजेंट टाइम स्टेट है उसके जो बैकवर्ड एरिया में स्थापित हुआ। इट केम टू बी सीन एज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस भिलाई स्टील प्लांट को जो है, स्टील प्लांट को भारत या इंडिपेंडेंस के बाद भारत का जो है डेवलपमेंट का एक सिंबल माना गया है, प्रतीक रूप में देखा गया है। सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और आजादी के बाद एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की भी तलाश हुई कि भारत जो है फॉरेन पॉलिसी में स्वतंत्र रहे, वो किसी के भी प्रभाव में ना आए, वो भी प्रयास हुए। भारत ने जो जैसे फ्रीडम गेन करी, तो आफ्टर द डिविशंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो बहुत सारे डिविशंस वर्ल्ड वाइड हुए, एट द टाइम ए न्यू इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस फॉर्मड इन 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। वो अभी बच्चा ही था, बाल्यकाल में ही है, अभी ज्यादा डेवलप ये संस्थान जो है यूएनओ नहीं हुआ है। द 1950s एंड 60s saw the emergence of Cold War। तो यहां पर एक वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो कुछ परिस्थितियां अलग होती जा रही थी कि 1950s और 60s में कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कि दो राइवलरी पावर जो थी, या वर्ल्ड को हम कहेंगे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। एक ग्रुप जो है वो यूएसए लीड कर रहा था और दूसरे ग्रुप का लीडर कौन था, यूएसएसआर। और ये दोनों कंट्रीज जो है मिलिट्री अलायंसेस बना चुके थे, दोनों के मिलिट्री ग्रुप्स थे और ये कोशिश कर रहे थे, कॉलोनियल एम्पायर्स वर कोलैप्सिंग एंड मेनी कंट्रीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। और एक ऐसा समय था जहां पर जो कॉलोनाइजेशन जो चल रहा था, इंपीरियलिज्म था, वो एंड हो रहा था, साम्राज्यवाद की स्थापना खत्म हो रही थी और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं वो आजाद हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो ये दोनों देश जो है उनको अपने अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे और दोनों के बीच जो है युद्ध की स्थितियां तो थी, बट वो फिजिकली नहीं लड़ रहे थे लेकिन युद्ध जैसा ही माहौल बना हुआ था। तो इस स्थिति को ही कोल्ड वॉर कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज ऑल्सो, यही फॉरेन मिनिस्टर भी थे भारत के, डेवलप्ड थ्री इंडिया पॉलिसी। तो उन्होंने जो है आजाद भारत की एक विदेश नीति तैयार की इन देश को इसी परिदृश्य में। तो यहां पर जो है मेन चीज जो देखने की है नॉन अलाइनमेंट कि एक इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई जवाहरलाल नेहरू ने, वो ये अपनाई कि भारत ने यूएसए के साथ मर्ज करेगा या उसके साथ आगे बढ़ेगा और नहीं यूएसएसआर के। और इन्होंने जो नीति अपनाई वो थी नॉन अलाइनमेंट, अर्थात हम दोनों में से किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेजर पार्ट रहा। नेहरू जी के साथ साथ इजिप्ट और यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, ये और भी देश थे जो इस नॉन अलाइनमेंट या नॉन अलाइन मूवमेंट जो चला उसके लीडर्स रहे। दो नॉन अलाइन मूवमेंट अर्ज कंट्रीज नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू मेजर अलायंसेज। और इस एक मूवमेंट चलाया गया जिसको नेहरू, नासिर टीटो, इंडो इजिप्ट के नासिर टीटो, यूगोस्लाविया के, इंडोनेशिया के थे और इंडिया के नेहरू जी, तीनों ने मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया। और इन्होंने कहा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उन्हें किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए, उनको अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये पॉलिसी अलायंसेज से ये भी कह रही थी वॉज नॉट ए मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल। तो इनका यह भी मानना था कि मैंने आइसोलेटेड रहना है और नेट न्यूट्रल रहना है। यहाँ पर फॉर्मर मीन्स रिमेनिंग अलूफ
from world affairs, whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between the America and Soviet alliances. तो यहाँ पर ये था कि न्यूट्रल वाली स्थिति थी कि हमें दोनों में से आइसोलेटेड और न्यूट्रल में से चीजों को समझना था कि अलग रहना है, न्यूट्रल रहना है दोनों अलायंसेज के बीच, ताकि ये जो युद्ध की स्थितियां हैं वो शांत हो जाए. आइसोलेटेड का मतलब था अलग थलग हो जाना, वर्ल्ड के अफेयर से कोई लेना देना नहीं है. वेयर नॉन अलाइंड कंट्रीज सच एज इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग, जबकि भारत जैसे देश ने या जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे उन्होंने अमेरिका और सोवियत के बीच में बहुत सारे जो उनके मेडिएट करने का मुद्दों को सुलझाने में जो है काम किया. दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर आफ्टर टेकिंग ए ह्यूमैनिटेरियन एंड मोरल स्टैंड अगेंस्ट वॉर. दोनों ने, इन देशों ने, नॉन अलाइन जो नेशंस थे, इन्होंने मानवता की दृष्टि से देखते हुए या मानवतावादी दृष्टिकोण को रखते हुए, नैतिक दृष्टिकोण को देखते हुए युद्ध को रोकने के प्रयास किए कि दोनों देशों को किसी भी तरीके से युद्ध नहीं करना चाहिए. However, for one reason or another, many non-aligned countries, including India, got involved in war. लेकिन आप कैसे भी कहें, चाहे ये कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन भारत और भारत जैसा देश जो है, वो न चाहते हुए भी युद्धों का हिस्सा बना. By the 1970s, a large number of countries had joined the non-aligned movement. 1970s आते-आते बहुत सारे देश जो हैं, वो non-aligned movement के members बन चुके थे. एक इमेज यहाँ पर दी हुई है जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन, जो कि सेक्रेटरी थे उस समय होम मिनिस्ट्री के, वो यूनाइटेड नेशंस में हैं. कृष्ण मेनन जो है वो यूएन में जो है डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन जो है उसके लीडर थे 1952 से 1962 तक, और उन्होंने जो है भारत के नॉन अलाइन की जो पॉलिसी थी उसको आर्ग्यूमेंट करते थे या उसको फेवर करने का काम, रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे थे. एक और इमेज दी हुई है जहाँ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के जो है लीडर्स है वो इंडोनेशिया के बांडुंग में 1955 में एक मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं. ओवर 29 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट पार्टिसिपेटेड इन दिस फेमस कॉन्फ्रेंस. जो कॉन्फ्रेंस थी बांडुंग में, इंडोनेशिया के बांडुंग में 1955 में, उसमें लगभग जो है 29 देश है जो अभी रिसेंटली ही इंडिपेंडेंट बने थे और कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. अफ्रो एशियन नेशंस की, अफ्रीका और एशिया की नेशंस है ये, और ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुड कंटिन्यू टू अपोज, ताकि वो विरोध कर सके वेस्टर्न डोमिनेशन का. द नेशन 60 इयर्स ऑन, भारत 60 साल के बाद 15 अगस्त 2007, 60 साल आजादी को हो चुके हैं. इंडिया ने अपने 60 साल का जो आजादी का महोत्सव यहां पर मनाया. How well the country done in this time? तो अब सवाल उठता है कि अगर हम evaluate करें कि भारत ने इस पूरे 60 साल के दौरान कितना अचीव किया, कितना आगे बढ़ा, कितना जो है अपने उद्देश्यों को, आइडियल्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल सेट किए गए थे उनको अचीव करने में कितना प्रोग्रेस इसने किया, ये बहुत सारे सवाल है. That India is still united. तो इसका जवाब अगर हम देना चाहें तो ये है कि भारत आज भी यूनाइटेड है. देन इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक, ये आज भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उतनी ही खूबियों के साथ आगे बढ़ा रहा है. ये हमारी अचीवमेंट्स है, वी माइट जस्टली बी प्राउड ऑफ, और हमें इन पे गर्व भी होना चाहिए. मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैड फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज ए सिंगल कंट्री. उस समय आजादी के समय बहुत सारे लोगों का ये मानना था, बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स का ये मानना था कि भारत जो है वो एक सिंगल कंट्री नहीं रहेगा, इसके बहुत सारे टुकड़े डिविजन्स हो जाएंगे. That it would break up into many parts, बहुत सारे टुकड़े होंगे, और ये टुकड़े जो होंगे या तो रीजन के आधार पे होंगे या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पे होंगे, और ये अपना अपना अलग अलग देश बनाएंगे. कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो है इंडिया में मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो जाएगा. However, as many as 13 general elections have been held since independence, लेकिन इस 60 सालों की अवधि में 13 जो जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, एज वेल एज हंड्रेड ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शन. और अगर हम स्टेट के इलेक्शन की बात करें या लोकल इलेक्शन, तो वो हंड्रेड ऑफ उनका नंबर है. अभी भी यह भारत में प्रेस जो है, प्रेस का मतलब मीडिया, वो फ्री है. फ्री का मतलब उस पर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, या जुडिशियरी भी हमारी जो है इंडिपेंडेंटली काम करती है.
फाइनली द फैक्ट दैट द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस यहाँ पर हैं, अलग अलग फेथ्स हैं, सभी हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली सबके सब किधर की तरफ चल रहे हैं, नेशनल यूनिटी की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये तो अच्छाई की बात करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिविजन्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज यहाँ पर बहुत सारी दी गई हैं अनटचेबल्स को, बट दलित्स को फेस वायलेंस, लेकिन आज भी उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की स्थितियां कई भागों में देखने को मिल जाती है। तो अच्छाइयों के साथ इन 60 सालों में कुछ कमियां भी हैं जो दिखाई देती है। अगर रूरल इंडिया की बात करें तो अभी भी जो है जो पब्लिक वाटर सोर्सेज हैं, टेम्पल्स हैं, पार्क्स हैं, अदर पब्लिक प्लेसेज है, वहां पर आज भी दलित्स और अनटचेबल्स को एंट्री नहीं मिल पा रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियल्स, हमने सेकुलर आइडियल्स की खूब बात करी कि इंडिया की तरफ से किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी रिलीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में जो है क्लेशेज हमें दिखाई देते हैं कई सारे स्टेट्स में। Above all, as many observers have noted, इसके अलावा बहुत सारे observers ने जैसा note किया, gap between the rich and the poor has grown over the years. तो ये एक और gap था, जैसा कि उस समय संभावनाएं बताई गई थी कि जो rich और poor के बीच में जो gap था वो भी बढ़ गया है। Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great. वो कुछ जो लोग हैं और कुछ groups जो India के हैं वो तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, जबकि एक ग्रुप जो है वो बहुत पीछे रह गया है। ये जो ग्रुप बेनिफिट हुआ है वो बड़े बड़े हाउसेज में रहता है, एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन दिलाता है, जो फॉरेन हॉलीडेज सेलिब्रेट करता है। वहीं पर एक दूसरा ग्रुप भी है जो बहुत आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है, जिसको हम BPL बोलते हैं, वो रहता है, वो अर्बन जो शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियां वहां रहता है, दूर दराज के गांवों में रहता है, जमीन छोटी सी जमीनें हैं उनके पास और अपने बच्चों को जो है स्कूल भी नहीं भेज पा रहा है। तो ये स्थितियां दोनों भारत में पैरेलल रूप से एग्जिस्ट कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, हमारा संविधान जो है कानून के समक्ष सबको इक्वल मानता है, बट अगर हम वास्तव में देखें, रियल लाइफ में देखें, तो कुछ इंडियन जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा इक्वल है। जस्ट बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, अगर हम इनको देखें स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, तो ये इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस। तो हमारे यहाँ पर जो रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा अभी डेवलप नहीं है। हम कहते हैं कि इंडिया डेवलप हो चुका है रिपब्लिक के रूप में, बट वो भी अभी ज्यादा बड़ी सक्सेस नहीं है। इट हैज नॉट बीन ए फेल्योर आइदर, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी है, बहुत ग्रेट सक्सेस नहीं भी ले पाया, तो अब हम इसको एक फेल्योर भी नहीं मान सकते हैं। एक और इमेज यहाँ पर दी हुई है, धारावी जो बॉम्बे में है, वो मुंबई, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर है। नोटिस द हाई राइज बिल्डिंग्स इन द बैकग्राउंड, और पीछे की तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ये भारत के दो स्थितियों को व्यक्त करती है कि जो पुअर हैं वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अमीर वर्ग है जो किस तरीके से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना करके रह रहा है। तो ये भारत के दो दृश्य हैं। जैसा कि हिस्ट्री की बुक है, इसमें एल्सवेयर पे चर्चा होती है कि उसी समय विश्व के वर्ल्ड के किसी और भाग में भी कुछ स्थिति चल रही हो, तो वो बताई गई है। व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या हुआ 1956 में, स्टेट्स ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीयों का जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, पार्लियामेंट जो श्रीलंका है उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी एक एक्ट जो है पास किया, और उस एक्ट में सिंगल जो थे उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। सिंगला कौन सी लैंग्वेज है, सिंगला लैंग्वेज है, और उसको जो है स्टेट लैंग्वेज वहां की डिक्लेयर किया। इससे क्या हुआ कि वहां के जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक एग्जामिनेशंस में, कोर्ट्स में है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज बन गई, सिंगला। तो ये एक इम्पैक्ट कुछ लेकर आ रही है, वो क्या है,
ये जो नया एक्ट पास किया गया इसमें जो वहां के तमिल स्पीकिंग, जो श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी थी उसने इसको अपोज किया और ये नॉर्थ आइलैंड में रहते थे. When you deny me my language, said one Tamil. तो एक तमिल एमपी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मेरी भाषा से मना कर रहे हैं, यू डिनाई मी एवरीथिंग, तो इसका अर्थ है कि आपने मुझे सब चीजों के लिए मना कर दिया. यू आर होपिंग फॉर ए डिवाइडेड सिलोन बॉन्ड अनदर. दूसरे एक एमपी ने कहा कि आप जो है डिवाइडेड सिलोन, आप यू आर होपिंग फॉर ए, आप श्रीलंका के टुकड़े देखना चाहते हैं. Do not fear. I assure you that you will have a divided Ceylon. और आप डरिए मत. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि श्रीलंका जो है वो divided हो जाएगा. An opposition member himself Singhala speaking. और एक और member थे opposition के जो सिंगला बोलने वाले थे, सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले. उन्होंने भी ये predict किया, भविष्यवाणी की कि the government did not change its mind and insisted on the act being passed. कि अगर सरकार ने अपना मन नहीं बदला, अपना माइंड नहीं चेंज किया और वो इस एक्ट को पास करने पे जोर देती रहेगी, तो टू टोन लिटिल ब्लीडिंग स्टेट्स माइट सेट अराइज आउट ऑफ वन लिटिल स्टेट. तो सिंगला का जो एक स्टेट है, ये सिलोन श्रीलंका एक देश है, उसके दो छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे. फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ ए सिविल वॉर हैज रेज्ड इन श्रीलंका. और तब से लेकर के श्रीलंका में एक सिविल वॉर बहुत सालों तक चलता रहा, जिसकी जड़ें इस सिंगला लैंग्वेज एक्ट जो तमिल माइनॉरिटी के अगेंस्ट लाया गया था उसी को लेकर के है, उसी जड़े उसकी वहां दिखाई देती है. एंड अनदर साउथ एशियन कंट्री, एक और देश है पाकिस्तान, जो भी दो भागों में बट गया. बंगाली स्पीकर जो ईस्ट में थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहा जाता था, वो उनको जो है दबाया गया. बाय कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज मैनेज टू सर्वाइव एज ए सिंगल नेशन. तो अगर हम ये देखें और फिर देखें कि बंगाल जो है बांग्लादेश अलग देश के रूप में हो गया पाकिस्तान से अलग होकर के, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को देखें तो भारत जो है वो आज भी एक ही स्टेट के रूप में चल रहा है. बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम इनसे कॉन्ट्रास्ट देखें तो इंडिया ने जब जैसे तैसे मतलब मींस इंडिया ने अपने आप को सिंगल नेशन के रूप में मेंटेन किया है, इन पार्ट बिकॉज द मेनी रीजनल लैंग्वेजेस वर गिवन फ्रीडम टू फ्लोरिश. और कारण क्या है कि भारत में बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको भी फ्लरिश करने का मौका दिया गया है, उनको यहाँ दबाया नहीं गया. एंड हिंदी बीन इम्पोज्ड ऑन साउथ इंडिया इन द वे दैट उर्दू वाज इम्पोज्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान और सिंगला ऑन नॉर्दर्न श्रीलंका, इंडिया टू माइट हैव सीन सिविल वॉर एंड फ्रेगमेंटेशन. अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर भारत में भी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की तरह, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू को इम्पोज किया गया, सिलोन श्रीलंका में, नॉर्दर्न श्रीलंका में सिंगला लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, अगर भारत में भी ऐसे ही हिंदी को साउथ इंडिया में इम्पोज किया कर दिया गया होता, तो शायद भारत में भी सिविल वॉर की सिचुएशन बनती और भारत के भी फ्रेगमेंटेशन अर्थात टुकड़े हो गए होते. कॉन्ट्रेरी टू द फियर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का जो डर था उसके उल्टा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव नॉट थ्रेटन्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने भारत की यूनिटी को थ्रेटन नहीं किया, धमकाया नहीं कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, रादर दे हैव डीपन्ड दिस यूनिटी. उल्टा उन्होंने भारत की एकता को समृद्ध किया है, सुदृढ़ किया है, मजबूत बनाया है. वंस द फियर ऑफ वंस लैंग्वेज बीइंग सप्रेस्ड हैज गॉन, द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैव बीन कंटेंट टू लिव एज पार्ट ऑफ द लार्जर नेशन कॉल्ड इंडिया. एक बार जब उनका ये डर निकल गया, जब उनकी भाषा को नहीं दबाया जाएगा, तो उन्होंने भारत को एक लार्जर नेशन के रूप में सपोर्ट किया और आज भी वो इसका इंटीग्रल पार्ट बन करके जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं और भारत को विश्व में जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं. तो दोस्तों ये था चैप्टर 10, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या स्थितियां थी अलग अलग सेक्टर्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स थे वो सब हमने देखा. एल्सवेयर भी हमने देखा कि किस तरीके से भाषा के आधार पे दूसरे देशों के टुकड़े हो गए, लेकिन भारत आज भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है. तो जय हिंद, जय भारत.